हेलो दोस्तों, कुक बाय प्रियंका में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम बना रहे हैं आज साबूदाने की खिचड़ी। खिचड़ी तो ये देखिए, हमने साबूदाना ले लिया है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट तक को बढ़िया से भिगो देंगे। तो देखिए, ये बड़े दाने की हमने साबूदाना लिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इधर हम ले लेते हैं पानी, और इस पानी को डाल के इसको खूब बढ़िया से भिगा देते हैं। ये देखिए, डाल दिया पानी। अब चलिए इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये अच्छे से हमारा फूल जाएगा, ठीक। अब चलिए इधर देखिए, हमने क्या लिया है, ये मिर्च लिया है, कम से कम 10 से 12 मिर्च लिया है। आप मत लीजिएगा, जितनी आपको इच्छा हो उतनी लीजिएगा। और ये हमने दो आलू ले लिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये ले लिया हमने टमाटर, टमाटर कम से कम 8 से 9 टमाटर लिया है, इसको भी हमने बारीक कर लिया है, ठीक। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमने ये गैस पे ये एक पैन चढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे देसी घी, ये देखिए अमूल का देसी घी है, ये हमने डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको अच्छे से हीट हो जाने देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हीट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसी में ये मूंगफली डाल देंगे, ठीक। अब मूंगफली डालकर इसको खूब बढ़िया से चलाएंगे। ये देखिए, इसको बढ़िया से हमें रोस्ट करना है धीमी आँच में। तो देखिए, इसी तरह आपको धीरे धीरे आपको चलाते रहना है, ताकि अच्छा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। और जब कलर चेंज हो जाएगा तो ये मूंगफली जो है वो पटपट की आवाज़ करेगी। अभी देखिए, आपको बीज से अलग नहीं है, ये जब आवाज़ करेगी तो ये बीज से अलग हो जाएगी, ठीक है। बस इसी तरह आपको चटकाना है, ठीक है। इसी तरह धीरे से आपको लो फ्लेम में हल्के हाथों से बढ़िया से आपको इसको रोस्ट करना है। जितना बढ़िया रोस्ट करेंगे उतना बढ़िया टेस्ट आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है, ये देख रहे होंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठीक। देखिए, अच्छे से कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते होंगे। देखिए, बीज से अलग भी हो गया है, देख रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अगर दिख रहा हो तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं धीरे धीरे इस प्लेट में। तो देखिए दोस्तों, वो हमारा पक रहा है तब से। ये देखिए, हमारा ये जो साबूदाना हमने भिगोया था, तो ये देखिए खूब बढ़िया सी अच्छे से फूल गया है, देख सकते हैं। अब चलिए इसका पानी हम बदल देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पानी इसका अलग कर दिए हैं, देखिए कितना बढ़िया सा हो गया। आप देखिए इसको दबा कर, ये देखिए अच्छे से हमारा सॉफ्ट भी हो गया, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहेगा तो ये हमारा बहुत अच्छे से खिले खिले बनेंगे, ठीक। अब चलिए इधर हम देख लेते हैं, तो इसकी लीड निकाल देते हैं, ठीक है। ये लीड हमने हटा दिया है। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा आलू कैसा पक गया है कि नहीं। तो तो सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सा मिर्च था, मिर्च की वजह से थोड़ा सा झास लग गया था। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा आलू अभी नहीं पका है, तो हम क्या करेंगे, तो 2 से 3 मिनट हो ही चुका था। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा सेंधा नमक। तो ये देखिए, हमने 1 चम्मच, 2 टीस्पून और ये 3 टीस्पून, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा नमक, ठीक है। अब इसको डालकर हम कम से कम फिर से 5 मिनट तक
पकाएंगे, ठीक है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक, उस समय हमने तीन से चार मिनट बाद हमने खोला था। ठीक, अब हम सीधा 5 मिनट बाद खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लीड हटाते हैं, 5 से 7 मिनट हो गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए, आलू हमारा लगभग थोड़ा बहुत पक गया है, ठीक है। तो हम इसको अब इसमें डाल देंगे, हम क्या डालेंगे, ये हमारा अच्छे से पक गया है, अब हम क्या डाल देंगे इसमें, साबूदाना डाल देंगे, ठीक। तो चलिए इसमें साबूदाना डाल देते हैं। तो दोस्तों चलिए इसमें हम डाल देते हैं ये, तो ये देखिए इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको खूब बढ़िया सी हम चला देते हैं, ये देखिए इसको खूब बढ़िया सी चला दीजिए ताकि हमारा अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको खूब बढ़िया सी चला दिया है। अब इसको चलाने के बाद फिर से हम इसमें 5 मिनट फिर से ढककर इसको पकाएंगे, ठीक है। क्या पकाएंगे अब, सिर्फ साबूदाना हल्का सा। चलिए इसको ढक देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए फाइनली हमारा तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारी बनके खिली खिली खिचड़ी बनकर रेडी हो गई साबूदाने की, देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब इसी स्टेज में हम क्या करेंगे, हम डाल देंगे ये मूंगफली। तो ये देखिए हमने मूंगफली डाल दिया, अब इसी स्टेज में डाल देंगे ये धनिया की पत्ती, ठीक है। अब डालकर इसको खूब बढ़िया सी चला देंगे। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त लग रहा है, सोचिए जब देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो सोचिए सोचिए कल्पना करिए कितने खाने में कितना प्यारा लगेगा। तो दोस्तों जाइए फटाफट से आप इसको बनाइए और सर्व करिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्यारा प्यारा सा कमेंट करिए, अगर ख़राब लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।